भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र से बीते शनिवार की शाम अपहृत हुए नौगछिया के पकड़ा गांव निवासी सर्वेश कुमार को भागलपुर पुलिस ने 2 घंटे के भीतर बरामद कर लिया है। पुलिस ने 4 अपहरणकर्ता और अपहरण करने में प्रयुक्त गाड़ी के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि औद्योगिक थाना पुलिस को 0 माइल के पास जावेद की मोटरसाइकिल गैरेज से मोटरसाइकिल बनाने आए सर्वेश को 4 अपहरणकर्ताओं के द्वारा एक स्कॉर्पियो से अपहरण कर लेने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर टीम गठित कर शहरी इलाके के साथ जिले की नाकाबंदी कर दी गई और जांच अभियान चलाया गया। साथ ही नौगछिया पुलिस और कटिहार पुलिस से भी संपर्क कर सीमा को सील कर जांच करने की बात कही गई। वहीं टेक्निकल टीम की मदद से लोकेशन ट्रेस कर नौगछिया गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लतरा गांव से पुलिस ने अपहृत सर्वेश कुमार को सकुशल बरामद कर लिया है, जबकि साथ ही 4 अपहरणकर्ताओं समेत ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं घटना के संबंध में पैसे के लेन देन को लेकर अपहरण की घटना को अंजाम दिए जाने की बात कही जा रही है। क्राइम और क्रिमिनल के खिलाफ जो अभियान है वो लगातार जारी है और इसके लिए एक सिटी सीलिंग और डिस्ट्रिक्ट सीलिंग का आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। दिन में सर्वेश जो कि नौगछिया के रहने वाले हैं उनका अपहरण होने की सूचना प्राप्त हुई और उसके बाद तत्क्षण डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर संजय कुमार सुधांशु, सब इंस्पेक्टर संजय कुमार सत्यार्थी SHO बरारी, सब इंस्पेक्टर कौशल भारती SHO औद्योगिक प्रक्षेत्र। बसंत पंचमी के दिन होने वाले सरस्वती पूजा को लेकर भागलपुर शहर के मूर्तिकार मूर्ति निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। मूर्तिकार छोटी और बड़ी हर साइज की प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं, जिससे लोग अपनी पसंद और क्षमता के अनुसार प्रतिमा की खरीदारी कर सके। वहीं मूर्ति निर्माण कर रहे कलाकारों का कहना है कि जितनी लागत मूर्ति निर्माण में लगती है उनके अनुरूप बिक्री के समय उन्हें मूल्य नहीं मिल पाता है। मूर्तिकारों ने बताया कि प्रशासन के द्वारा लाइसेंस निर्गत करने की कानूनी प्रक्रिया के कारण भी मूर्ति की बिक्री काफी कम हो गई है, जिससे उनके व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। इधर मूर्ति निर्माण में लगे कलाकार बताते हैं कि एक प्रतिमा के निर्माण में 3 से 4 हजार रुपए तक लग जाते हैं और महंगाई के कारण बाजारों में सामान की कीमत भी काफी बढ़ जाने से वो लोग परेशान हैं। वहीं मिट्टी की कमी को लेकर भी इन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मूर्तिकारों को अब मूर्ति से संबंधित कहीं कुछ नहीं मिलता है, सब चीज का महंगाई हो गया है, कहीं कुछ नहीं है मूर्तिकारों के लिए। मूर्तिकार जितना मेहनत करता है उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। और जो है ना, सामान है 1 रुपया का, पार्टी आएगा बोलेगा 5 हजार का मूर्ति है, बोलेगा 2 हजार दें, 1 हजार दें, तो इस तरह से हम लोग तो मतलब राजमिस्त्री लेबर से भी मतलब जो है ना बहुत, एक मूर्ति बनाते हैं 5 दिन 6 दिन समय लगता है, उसका मजदूरी भी कम से कम 2 आदमी का अगर जोड़िएगा तो 5 हजार रुपया मजदूरी होना चाहिए, लेकिन 5 हजार रुपया में हम लोग मूर्तियाँ बेचते हैं। सामान तो अलग है, उसमें जो है ना कहीं कोई प्रॉफिट मूर्तिकारों को अब नहीं। भागलपुर मद निषेध विभाग की टीम एवं बबरगंज थाना पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाया गया, जिसमें नशा मुक्त एवं अपराध मुक्त समाज बनाने के स्लोगन के साथ लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान मद निषेध के पदाधिकारी एवं बबरगंज थाना प्रभारी के साथ समाज के लोग भी नशा से दूर रहने एवं अपराध मुक्त समाज बनाने की पहल करते दिखे। वहीं इसको लेकर मद निषेध विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को नशा मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए समाज के सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा। साथ ही कहा कि समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए अपराध से मुक्ति दिलाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे समाज अपराध मुक्त हो सके। अपने बबरगंज थाना के थाना प्रभारी प्रमोद कुमार शाह के द्वारा ये आयोजन रखा गया था, इसमें हमारे सभी ग्रामीण भाई माता बहनों बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। निश्चित तौर पे इस अभियान के द्वारा लोग जागरूक होंगे और लोग अपने बच्चे को जो बहुत हद तक अपने बच्चे को कंट्रोल में लाएंगे।
नाथनगर थाना क्षेत्र के मड़वाड़ी पट्टी से अज्ञात चोरों के द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल ललमटिया ओपी क्षेत्र अंतर्गत नसरत खानी मोहल्ले के रहने वाले किशोर कुमार भारती रविवार को मछली खरीदने मड़वाड़ी पट्टी स्थित मछली बाजार पहुंचे थे और जब वह मछली खरीद कर पुनः वापस लौटे तो देखा कि वहां पर उनकी बाइक नहीं थी। इसको लेकर किशोर ने बताया कि इसके बाद उन्होंने बाइक की काफी खोजबीन की लेकिन गाड़ी का कुछ भी पता नहीं चल सका। वहीं इसके बाद पास लगे सीसीटीवी कैमरे में देखने पर पता चला कि फेस मास्क लगाए अज्ञात चोर ने उसकी मोटरसाइकिल चोरी कर वहां से फरार हो गया है। इधर पीड़ित ने अज्ञात चोर के विरुद्ध नाथनगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराकर मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। हम नसरत खानी से चल करके मड़वाड़ी मछली पट्टी आए मछली लेने के लिए। हम गाड़ी दुकान के सामने लगा करके मछली लेने ऊपर गए। 9:25 में हम लगाए थे और 9:40 में जब हम लौटे तो मेरा गाड़ी चोरी हो गई। 3 दिवसीय माघी काली मेला का उद्घाटन नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दकी एवं धौरैया विधायक भूदेव चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान धूमधाम से मनाई जा रही माघी काली पूजा को लेकर जगदीशपुर में काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, जबकि इसको लेकर 3 दिवसीय मेला के लिए काफी तैयारी भी की गई है। वहीं माँ काली की पूजा और मेला देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जुटने की संभावना है, जिसके लिए मेला समिति द्वारा भक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। साथ ही अयोध्या से आए कलाकारों द्वारा झांकी की प्रस्तुति भी की जा रही है, जिसे देख श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। मौके पर मेला समिति के अध्यक्ष अशोक गुप्ता, कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार, सचिव विनोद यादव, बीरबल मंडल समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है, पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। मेरा नाम शंभु पासवान, लोअर नेपाल आई हॉस्पिटल में कार्यरत टेक्निकल स्टाफ हूँ और मुझे 14 साल से करीब डायबिटीज था और मैंने इंग्लिश दवा, अंग्रेजी दवा नहीं खाया था कभी और आयुर्वेदिक दवाइयों पर अपना ही चला रहा था। फिर भी भात खाने से, खाना पड़ने से, कोई चीज़ खाने से मेरा ठीक नहीं हो रहा था, बढ़ जाता था लेवल। और मैंने अढ़ाई महीने पहले, करीब अढ़ाई पौने 3 महीने पहले YouTube पर देखा उसमें विज्ञापन में, तो और लोगों का प्रतिक्रिया देखा जिसको ठीक हो गया था, उसको प्रतिक्रिया में देखा तो लोग बोलते थे ठीक हो गया था, तो मेरे मन में भी आया कि मैं, हो सकता है चलते हैं हो गया जाए, मेरा भी ठीक हो जाए, हैं इस आशा से मैंने इनके पास यहाँ आया है ना, और मैंने इसे इलाज कराना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बोले, जिस तरीका से खाने पीने का वैसे ही करके पूरा पूरी ध्यान रख करके ही किया और समय समय पर पीपी का जाँच, ब्लड शुगर का जाँच कराते गया। अब इलाज के कुछ दिन के बाद ही धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया दवाई का, ये डायबिटीज भी ठीक हो सकता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज अढ़ाई महीने के बाद मैं डॉक्टर से अभी रिपोर्ट लेकर आया है। मेरा खाना खाने के बाद बीपी है 135 और
इसके बाद एक हफ्ता पहले 121 था और मैंने दो कटोरा भात भी खाया और भात का मात्रा बढ़ाते हुए भी मेरा बीपी नॉर्मल रेंज से नीचे ही है। मैं मोहम्मद नूर आलम, मैं दामोदरपुर मुजफ्फरपुर से हूँ। मैं करीब 5 साल से डायबिटीज का शिकार था, जो मैं डॉक्टर साहब को पता चल बर्दियाँ आयुर्वेद से इलाज करते हैं और इनका कहना था कि मैं सदा के लिए ठीक कर दूंगा। तो हम लोग नौशाद भाई के माध्यम यहाँ आए, जो हमें काफ़ी लाभ हुआ। 2.5-3 महीने में मेरा कंप्लीट हो गया और मैं अभी आया हूँ तो सारा चीज़ खाकर, मीट खसी मीट मटन भी खाकर चेक किया है तो अब मेरा डायबिटीज़ 146 है। अब मैं बिल्कुल कंप्लीट हूँ, हर चीज़ मैं खा रहा हूँ। मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूँ, मैं अभी बहुत खुश हूँ। पहले मैं काम करता था तो बहुत वीकनेस सा महसूस होता था, अब उस तरह का वीकनेस हमको नहीं लगता है। अब बेहिचक हम कोई भी काम कर लेते हैं। भागलपुर जगदीशपुर थाना परिसर में थानाध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरस्वती पूजा एवं माघी काली पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के साथ सरस्वती पूजा को लेकर विशेष रूप से लाइसेंस निर्गत करने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सभी पूजा समितियों को लाइसेंस लेकर ही मूर्ति स्थापित करने एवं 27 जनवरी तक मूर्ति विसर्जन कर देने का निर्देश पुलिस द्वारा जारी किया गया है, जबकि डीजे बजाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहने की बात कही गई है। मौके पर अनारसी तांती, शंकर पासवान, मुखिया शहबाज आलम, मुखिया मोहम्मद मरगूब समेत पुलिस और शांति समिति के सदस्य के साथ कई ग्रामीण मौजूद रहे। भागलपुर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन का जिला सह प्रांतीय सम्मेलन रविवार को एक विवाह भवन में आयोजित किया गया, जिसमें सभी 38 जिलों से जन वितरण दुकानदार एवं प्रखंडों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि वे सभी लगातार अपनी लंबित 8 सूत्री मांगों को लेकर कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 10 जनवरी को इस मांग के समर्थन में पटना स्थित गर्दनी बाग में जोरदार प्रदर्शन भी किया गया था। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि कई बार आवाज उठाने के बाद भी अभी तक उनकी मांग लंबित है, जिसको लेकर प्रांतीय सम्मेलन के जरिए सभी जन वितरण दुकानदारों और जिले के पदाधिकारियों को एकजुट किया गया है। वहीं सम्मेलन में एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश झा ने बताया कि भारत सरकार मुआवजा राशि देने के बदले उनके विरुद्ध कानून लाकर सभी को परेशानियों में डाल रही है। साथ ही कहा कि जिस तरह उपभोक्ताओं को सब्सिडी के रूप में राशि मिलती है, उसी तरह 5,23,000 विक्रेताओं को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। इधर प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह ने कहा कि सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदार 7 से 9 फरवरी तक हड़ताल पर जाएंगे और आगामी 22 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में संसद भवन तक मार्च निकाल कर मजबूती से अपनी बात सरकार के समक्ष रखेंगे। देश में अभी इसकी आवश्यकता है, इसलिए कि भारत सरकार ने नई खाद्य नीति की जो घोषणा की है, उस खाद्य नीति को चलाने वाले देश के 5,38,000 जो जन वितरण प्रणाली के विक्रेता सभी राज्यों में हैं, उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है। भारत सरकार ने 81 करोड़ जनता के लिए तो सोचा, लेकिन उस योजना को चलाने वाले जो हमारे 5 लाख जो हमारे विक्रेता हैं और खास करके बिहार में 55,000 में, बिहार में अभी हूँ, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, इनके बारे में नहीं सोचा, क्योंकि पहले तो कमीशन मिलता था। साथ ही साथ अभी यह कोई नीति ही नहीं बनी है कि हमको कितना कमीशन दिया जाएगा, कैसे पेमेंट किया जाएगा। भागलपुर के जिला को संगठन को मजबूत बना रहा है, पूरे बिहार आज के प्रतिनिधि आए हुए हैं, उस प्रतिनिधि के माध्यम से आज हम लोग फैसला लेना है कि ऑल इंडिया के द्वारा जो घोषित किया हुआ आह्वान है 7, 8 और 9 फरवरी को पूरे बिहार राज्य का दुकानदार बंद रखेंगे, अपना पॉस मशीन बंद करके हड़ताल करेंगे और 22 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान से संसद भवन को मार्च करेंगे। इसी के तहत हम लोग आए हैं।
बांका के धनकुंड कोतवाली अंतर्गत संत मेही इंटरनेशनल स्माइल स्कूल में स्माइल स्टार टेस्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिभा परीक्षा में 1000 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। वहीं इसको लेकर प्रबंधन की ओर से बताया गया कि परीक्षा के माध्यम से बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिससे कोई भी बच्चा पैसे के अभाव में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं रह सके। साथ ही कहा कि जिन बच्चों के अंदर प्रतिभा होगी वैसे बच्चे इस परीक्षा के माध्यम से अपने करियर में एक नई उड़ान भर सकेंगे, जबकि विद्यालय में बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है, जिससे इच्छुक अभिभावक या बच्चे इसका लाभ लेकर अध्ययन कर सके। वहीं टेस्ट के दौरान बच्चों को कई जरूरी टिप्स भी दिए गए, जबकि शिक्षा के स्तर को बेहतर करने का भरोसा भी प्रबंधन की ओर से दिया गया है। आज स्माइल स्कूल धनकुंड बांका बिहार में आयोजित स्माइल स्टार टेस्ट का भव्य आयोजन विद्यालय प्रबंधन की ओर से किया गया। इसमें हजारों की तादाद में बच्चे इस प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए। इस परीक्षा के माध्यम से आसपास के गांवों में जो बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों के अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है उनको निखारने के लिए इस प्रतिभा टेस्ट आयोजन किया गया। और इस स्माइल स्टार टेस्ट में कुल 60 बच्चों को चयन किया जाएगा और उन्हें इस विद्यालय की ओर से मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। पिरपैती प्रखंड के हनुमतपुरी सिंधियाचल पर्वत योगीवीर धाम ईसवीपुर बाराहाट में सिद्ध बाबा योगीवीर के 300 वर्ष पूरे होने पर 11 दिवसीय स्वर्णिम जन्म महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसको लेकर रविवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में बिहार एवं झारखंड से लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान कलश यात्रा पैदल योगीवीर धाम से बाराहाट बिहार झारखंड की सीमा क्षेत्र और इसीपुर नया टोला का भ्रमण करते हुए पुनः आयोजन स्थल पर पहुंची, जहां विधिवत रूप से कलश स्थापित किया गया। वहीं महोत्सव को लेकर संरक्षक आचार्य माई जी महाराज ने विभिन्न जगहों से भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया, जबकि 22 से 31 जनवरी तक आयोजित होने वाले यज्ञ में सभी श्रद्धालुओं को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। मौके पर स्काउट गाइड के जिला प्रशिक्षक मुकेश आजाद, स्काउट गाइड की टीम के साथ कलश शोभा यात्रा में शामिल हुए और श्रद्धालुओं की सेवा की, जबकि इस दौरान कई जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी भी मौजूद रहे।